मार्केट में सोप खरीदते टाइम पर आप क्या देखते हो? सोप की खुशबू, एडवर्टाइजमेंट, बाय वन गेट वन फ्री का कोई भी ऑफर, सोप की प्राइस या फिर सोप के इंग्रेडिएंट्स? सोप हमारी बाहरी स्किन के साथ साथ अंदर की स्किन तक भी पहुंचता है। यदि साबुन केमिकली हार्श है तो यह डेली थोड़ी थोड़ी मात्रा में ब्लड में पहुंचकर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे स्किन एलर्जी, रूखापन, इन्फेक्शन, रिंकल्स और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। तो हम कैसे जाने कि कौन सी साबुन है हमारे लिए बेस्ट? माइसेल्फ प्रगति जोशी, वेलकम इन फिट मी पीजे। यहाँ हम बात करेंगे हमारी हेल्थ के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि कौन सी साबुन हमारे लिए बेस्ट है और यह हम कैसे पता करें। जो फर्स्ट कैटेगरी है वह है बाथिंग बार और टॉयलेट सोप की। जब भी आप मार्केट में कोई सोप खरीदने जाते हो तो आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में यदि चेक करोगे तो आपको TFM वैल्यू दिखेगी, जिसका मतलब है साबुन में टोटल फैटी मैटर कितने परसेंटेज यूज हुआ है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार TFM परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा सोप क्वालिटी वाइज उतना ही अच्छा होगा। टॉयलेट सोप की TFM वैल्यू 60-76% के बीच में होनी चाहिए। सोप की इंग्रेडिएंट लिस्ट में आप साबुन की ग्रेड भी चेक कर सकते हो, जो TFM परसेंटेज के बेस पर डिसाइड होती है। TFM परसेंटेज लिखे हुए सभी टॉयलेट सोप होते हैं और जिन पर TFM परसेंटेज नहीं लिखा होता वो होते हैं बाथिंग बार, जैसे कि डव। पर हम ये कैसे जाने कि टॉयलेट सोप बेटर है या फिर बाथिंग बार, इसके लिए हम एक डेमो देखते हैं। इसके लिए मैंने दो टाइप की सोप ली है। एक है बाथिंग बार जिसमें TFM वैल्यू नहीं दी हुई और दूसरी है टॉयलेट सोप जिसकी TFM वैल्यू है 76%। इन दोनों सोप में से कौन सी सोप नहाने के लिए बेस्ट है इसके लिए हम डेमो करेंगे। इसके लिए मैंने 2 ग्लास पानी के लिए हैं और पोविडोन आयोडीन लिया है, क्योंकि हमारे पसीने में थोड़ी बहुत आयोडीन होती है और इस डेमो से हम चेक करेंगे कि कौन सी साबुन आयोडीन के पानी को अच्छी तरह से साफ कर देगी। हम हर ग्लास में एक एक ढक्कन पोविडोन आयोडीन का डालेंगे। अब मैं एक ग्लास में डालूंगी बाथिंग बार का टुकड़ा और दूसरे ग्लास में मैं डालूंगी टॉयलेट सोप का एक टुकड़ा। अब इसे हम थोड़ी देर हिलाएंगे। और आप देख रहे हो जिस ग्लास में मैंने टॉयलेट सोप डाला है वो ग्लास का पानी जल्दी से वाइट हो रहा है। इस तरह आप देख रहे हो कि जो बाथिंग बार है उसने पोविडोन आयोडीन के पानी को बिल्कुल भी साफ नहीं किया है और टॉयलेट सोप ने पानी को सफ़ेद कर दिया है। थोड़ी देर आप इसे रखोगे तो यह पानी पूरी तरह से वाइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि टॉयलेट सोप बाथिंग बार से ज़्यादा बेस्ट हैं, क्योंकि इसकी TFM वैल्यू मतलब टोटल फैटी मैटर ज़्यादा है। यह स्किन को ज़्यादा क्लींजिंग साफ करता है। रिजल्ट यह निकला कि टॉयलेट सोप बाथिंग बार से स्किन के मॉइस्चराइजिंग और क्लींजिंग के मामले में ज़्यादा बेटर है। बट हम यदि इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखें तो इनके अंदर BHT, EDTA जैसे बहुत सारे केमिकल्स यूज हुए हैं, तो ये सोप भी हमारे लिए उतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए। आप देखोगे कि मार्केट में मिलने वाली लगभग सभी सोप या तो बाथिंग बार है या फिर टॉयलेट सोप है, जैसे कि लक्स, लाइफबॉय, डायना, संतूर, सेवलॉन, डिटोल, एमवी की परसोना। सेकेंड टाइप के सोप हैं वो है आयुर्वेदिक और हर्बल सोप। इनमें आते हैं बायोटेक बेसिल एंड पार्सली रिवाइटलाइजिंग बॉडी सोप, लीवर आयुष प्यूरिफाइंग टर्मरिक सोप, हिमालय हर्बल नीम एंड टर्मरिक सोप, मेडिमिक्स सोप, मार्गो सोप, मैसूर सैंडल सोप, ममा अर्थ मिंट सोप, पतंजलि सोप। लीवर आयुष और बायोटेक की फर्स्ट 2 सोप को मैंने इस कैटेगरी में केवल इसलिए रखा है क्योंकि इन्होंने अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट को पूरा शो नहीं किया है और इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट इनकम्प्लीट है, तो यह हमारे लिए उतने भरोसेमंद नहीं है। इन दोनों के अलावा बाकी जो सोप्स हैं इस कैटेगरी में वो पूरी तरह से आयुर्वेदिक और हर्बल नहीं है, क्योंकि इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट यदि हम चेक करें तो इनमें केमिकल्स का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट टाइप के सोप हैं उनको मैंने फर्स्ट क्लास कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इनमें कोई भी केमिकल्स का यूज़ नहीं हुआ है। और इनमें आते हैं
एंशियंट लिविंग तुलसी सोप, नीव हर्बल हैंडमेड सोप। एंशियंट लिविंग तुलसी सोप की यदि हम इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें तो इसके अंदर तुलसी, बेसिल एसेंशियल ऑयल, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, लाई मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हुआ है। यह सोप 100% ऑर्गेनिक, नेचुरल और वेजिटेबल सोप है। इसके कारण इसे बॉडी के साथ साथ फेस पर भी यूज किया जा सकता है। इसी क्लास की सेकेंड सोप है नीम तुलसी सोप। यह पूरी तरह से ऑर्गेनिक और फ्रेग्रेंस फ्री सोप है। इसकी यदि हम TFM वैल्यू देखें तो वह 76.2% है, तो यह ग्रेड ए सोप है। 100% ऑर्गेनिक है, नो आर्टिफिशियल कलर, नो फ्रेग्रेंस, नो केमिकल, सल्फेट और पैराबेन से फ्री है। और इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें तो इसके अंदर ऑर्गेनिक नीम ऑयल, पाम ऑयल, ऑरेंज कोकोनट ऑयल, महुआ ऑयल, लाई, बेसिल ऑयल, डिल ऑयल, नागरमोथा ऑयल, ग्रेनियम ऑयल का यूज हुआ है। इसकी TFM वैल्यू 76.2% होने के कारण यह एक्सीलेंट मॉइस्चराइजिंग कैटेगरी की साबुन है और नीम और तुलसी का इसमें यूज हुआ है। यह एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल सोप है जिसके कारण यह नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन के लिए परफेक्ट है। अब हम देखते हैं कि नहाने का साबुन खरीदते टाइम पर हमें किन चार बातों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे फर्स्ट है TFM परसेंटेज। जब भी साबुन खरीदने जाएं तो उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में TFM परसेंटेज चेक करें कि वह 76% और उससे ज़्यादा होना चाहिए। कुछ टॉयलेट सोप्स जिनकी TFM वैल्यू 60% से 70% के बीच में है उनको ग्रेड थर्ड कैटेगरी में रखा है। ग्रेड थर्ड की ही एक सोप है जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलर है, लाइफ बॉय, जिसका TFM वैल्यू है 60%। लाइफ बॉय USA में बेन है। यह केवल एनिमल बाथिंग मतलब जानवरों को नहलाने के लिए यूज की जाती है। सेकेंड टिप है अवॉइड द 4 टॉक्सिक केमिकल्स इन सोप। आप जब भी साबुन खरीदने जाएं तो उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में यह चेक करें कि ये 4 टॉक्सिक केमिकल्स तो नहीं है। यदि ये प्रेजेंट है तो उस साबुन को आपको अवॉइड ही करना है, जिसमें फर्स्ट है ट्रिक्लोसान। ट्रिक्लोसान के साबुन में यूज को FDA ने USA में बैन कर रखा है। ट्रिक्लोसान मेनली एंटी बैक्टीरियल सोप में यूज होता है जो कि मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। सेकेंड टॉक्सिक केमिकल है फ्रेग्रेंस सुगंधित द्रव्य। आप जब साबुन की इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करोगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि फ्रेग्रेंस सुगंधित द्रव्य नाम से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इस एक ही वर्ड में 200 से ज़्यादा केमिकल्स का यूज हुआ होता है। फ्रेग्रेंस किसी भी कंपनी का ट्रेड सीक्रेट होता है जिसे FDA के अनुसार इंग्रेडिएंट लिस्ट में बताना जरूरी नहीं होता। बहुत बार इस एक वर्ड फ्रेग्रेंस में फैलेट जैसे कैंसर करने वाले टॉक्सिन्स होते हैं जो खुशबू को लास्ट लॉन्गर करने के लिए प्रोडक्ट्स में डाले जाते हैं। इन सुगंधित द्रव्य के लगातार एक्सपोजर से एलर्जी, माइग्रेन, अस्थमा और नर्वस सिस्टम पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। थर्ड टॉक्सिक केमिकल है पैराबेन, जिसे साबुन में आपको अवॉइड करना है। ये एक हार्मोन्स ही होते हैं। जब ये स्किन से ब्लड में जाते हैं तो बॉडी को लगता है ब्लड में हार्मोन लेवल ज़्यादा हो गया है, जिससे हार्मोनल असंतुलन जैसी बीमारी हो जाती है, जिसके कारण मसल मास का कम होना, फैट का डिपॉजिट होना, मोटापे का बढ़ना, बांझपन और अर्ली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। फोर्थ टॉक्सिक केमिकल है सल्फेट। सल्फेट 2 नेम से आता है, सोडियम लॉरेट सल्फेट और सोडियम लॉरेट सल्फेट SLS। ये केमिकल्स सोप में झाग पैदा करने के लिए डाले जाते हैं, बट डेली इन केमिकल सोप्स का यूज करने से ये स्किन की नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर को हटाकर दूसरे टॉक्सिक केमिकल को आसानी से स्किन के थ्रू ब्लड में पहुंचा देते हैं, जिससे सेंसिटिव स्किन पर इरिटेशन और एलर्जी होने लगती है। चारों टॉक्सिक केमिकल्स को तो आपको अवॉइड करना ही करना है। इसके अलावा स्क्रीन पर दिखाए गए अदर केमिकल्स जैसे कि आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, BHT, EDTA जैसे अदर केमिकल्स को भी आपको जहाँ तक हो सके सोप में अवॉइड करना है, क्योंकि सोप एक ऐसी चीज़ है जिसे कि हम डेली हमारी बॉडी के सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन पर यूज़ करते हैं और स्किन सोप में यूज हुए 60% केमिकल्स को डायरेक्ट हमारे ब्लड में पहुंचा देती है। साबुन को खरीदते टाइम पर आपको थर्ड टिप जिसे आपको हमेशा ध्यान रखना है वह है कि आपको देखना है इंग्रेडिएंट लिस्ट हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए।
जिस सोप की इंग्रेडिएंट लिस्ट जितनी छोटी होगी वह उतना ही ज़्यादा प्योर, नेचुरल और केमिकल फ्री होगा। फोर्थ और लास्ट टिप है कि आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में चेक करना है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वह वेजिटेबल ओरिजिन के होने चाहिए। वेजिटेबल ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, लाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे साल्ट होते हैं उनका यूज हुआ हो, एसेंशियल ऑयल और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ हो, वही सोप आपको खरीदना है। हमने जाना कि इंडियन मार्केट में सबसे हार्मफुल से लेके सबसे नेचुरल 100% ऑर्गेनिक सोप कौन से हैं और हमें सोप को खरीदते टाइम पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो में दी गई जानकारी मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो कि मैंने प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखकर दिया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रमोशनल कंटेंट नहीं है।